हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था क्वालकॉम और मीडियाटेक के बीच में, जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन दिखाई थी। बिल्कुल ये वीडियो उससे थोड़ी सी अलग है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्वाडकोर और ऑक्टाकोर के बीच में फर्क। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक तो आपने ले लिया क्वाडकोर और किसी ने ऑक्टाकोर लिया, तो आप सोचेंगे कि उनका ऑक्टाकोर ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस वीडियो में हम इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो चार बड़ी कंपनियां हैं जो मोबाइल के लिए प्रोसेसर बनाती हैं, जिसमें सबसे ऊपर में नाम आता है क्वालकॉम का, जो स्नैपड्रैगन बनाती है, और दूसरे नंबर पे नाम आता है मीडियाटेक का, तीसरे नंबर पे नाम आता है सैमसंग का, जो एक्साइनस नाम का प्रोसेसर बनाती है, और चौथे नंबर पे आता है नवीडिया। तो ये चार बड़ी कंपनियां हैं जो मोबाइल फोन के लिए प्रोसेसर बनाती हैं। तो जितनी भी कंपनियां प्रोसेसर बनाती हैं, ये चार या इनके अलावा जो लो क्वालिटी की, वो सब एक मैप लेती हैं, आर्किटेक्चर मैप, आर्किटेक्चर यानी प्रोसेसर की बनावट का मैप, वो सब एक कंपनी से लेती हैं जिसका नाम है ARM। यही कंपनी सबको मैप बेचती है, तो मैप सबके पास तकरीबन सेम ही जाता है। अब उसमें वो लोग मॉडिफिकेशन करते हैं खुद से। तो मॉडिफिकेशन में सबसे ज्यादा ऊपर नंबर पे नाम आता है क्वालकॉम का, यानी स्नैपड्रैगन का, वो सबसे ज्यादा उस पे मॉडिफिकेशन करती है। मीडियाटेक मॉडिफिकेशन ज्यादा नहीं करती है, बिल्कुल नहीं के बराबर बना के दे देती है, लेकिन सैमसंग थोड़ा बहुत करती है, और एनवीडिया तो बिल्कुल करती ही है, क्योंकि एनवीडिया का बहुत सारा ग्राफिक्स कार्ड भी आता है, तो वो वहाँ पर भी बहुत अच्छे हैं। तो चार बातें जरूरी होती हैं एक अच्छे प्रोसेसर के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्वाडकोर का प्रोसेसर है या ऑक्टाकोर का। चार बातें क्या हैं, हम लोग इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। पहला होता है आर्किटेक्चर, दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, तीसरा होता है नंबर ऑफ कोर्स, और चौथा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितने गीगाहर्ट्ज पे फिक्स की गई है। तो आर्किटेक्चर की बात करें, तो आर्किटेक्चर में आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, कोर्टेक्स A52, कोर्टेक्स और भी बहुत सारा है, तो वो सब उसके अलग अलग वर्जन है। वो जितना ऊपर जाता है उतना ज्यादा अपग्रेड होते जाता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ट्रांसमीटर जो है वो छोटा जितना होते जाएगा उतना ज्यादा ट्रांसमिशन इसका फास्ट होते जाएगा, यानी कि टेक्नोलॉजी अच्छी होती जाएगी। उसका साइज बिल्कुल नैनो होता है, तो अगर आप देखेंगे कि वो 14, 12, 8, 6 जितना कम जाएगा वो उतना ज्यादा फास्ट होगा, उतना ज्यादा बढ़िया होगा, और यहाँ पे जितना ऊपर जाएगा 16, 20, 24 वो उतना बड़ा होते जाएगी, उसकी टेक्नोलॉजी उतनी पुरानी होती जाएगी, वो उतना स्लो होता जाएगा। तो ये दिन ब दिन छोटा होते जा रहा है, तो ये घटते जा रहा है दिन ब दिन। नंबर ऑफ कोर्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लाइक 2, 4, 8, 16, 32, 64, अभी के टाइम में 32 और 64 ज्यादातर पॉपुलर है, आप लोग जानते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए। अगला है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितने गीगाहर्ट्ज तक फिक्स की गई है, मैंने पहले बताया था, अब इसको आइए एक्सप्लेन करते हैं। प्रोसेसर को क्लॉक स्पीड से नापा जाता है, तो उसका जो क्लॉक स्पीड होता है, यानी कि मान लीजिए कि 1 गीगाहर्ट्ज पे अगर वो क्लॉक किया गया है, तो 1 सेकंड में वो 10 करोड़ टाइम्स काम करेगा, वो घूम के वहां पे आएगा, और उसी से उसको ज्यादा किया जाता है 1.2 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, 3.4 गीगाहर्ट्ज, जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा वहां पर फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 कोर्स का मतलब है कि 2 कोर, सिंगल कोर का मतलब है कि सिंगल कोर, और कोर्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 हाथ है, मतलब मेरे पास 2 कोर है। अगर मेरे पास 4 कोर हो गए, यानी कि क्वाड कोर, तो अब 4 हाथ तो है नहीं, तो 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ मान लीजिए मुझे कोई काम करना है, तो मैं 4 हाथ से अगर काम करता हूँ तो 2 हाथ की बनिस्बत वो ज्यादा जल्दी होगा। हो सकता है कि मैं 4 हाथ से एक एक करके सारा काम करते जाऊँ, या 4 हाथ को एक एक काम के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। तो इसी तरह 4 कोर्स हो गया, फिर 8 कोर्स हो गया। तो 4 कोर का मतलब होता है क्वाड कोर, और 8 कोर का मतलब होता है ऑक्टा। जैसे कि मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था और आर्किटेक्चर के बारे में बताया था कि ट्रांसमिशन उसमें फास्ट होगा। अगर ट्रांसमिशन फास्ट होता है तो वो स्लो नहीं होगा, वो गर्म नहीं होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करेगा, तो इस वजह से गर्म भी नहीं होगा, और साथ साथ बैटरी भी कम आपकी इन्वेस्ट होगी उसमें, बैटरी ज्यादा बैकअप देगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्वाडकोर के जो फोन्स हैं उनकी बैटरी बैकअप ऑक्टाकोर से ज्यादा ही होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्वालकॉम दे रहा है या फिर मीडियाटेक दे रहा है। अगर मीडियाटेक दे रहा है तो यकीनन तो उसकी बैटरी आपकी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, लेकिन अगर क्वालकॉम दे रहा है तो वहां पे आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगी। आर्किटेक्चर में जो कोर्टेक्स मैंने बताया था उसके कुछ नाम सुन लीजिए, वो है कोर्टेक्स A5, A9, A15, A53, A57। तो जाहिर सी बात है कि A57, A53 से ज्यादा बढ़िया हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बन जाएगी।
और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे देखिएगा सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलेगी ऐसी ढेर सारी अदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज।